बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में आपके लिए लाई हूँ रबड़ी बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध, ये 1/2 टीस्पून मैंने इसके लिए इलायची पाउडर लिया है, 4 चम्मच चीनी, 250 ग्राम खोया और थोड़े से पिस्ते मैंने गार्निशिंग के लिए लिए हैं। सबसे पहले मैं करूँगी, दूध को एक पतीली में डाल के उबलने के लिए रखूंगी। सबसे पहले मैंने पतीली में दूध डाल के उबलने के लिए रख दिया है और अब मैं इसके उबलने का इंतजार करूंगी, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं फ्लेम को सिम पे कर दूंगी और इसको तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे हम। दूध पूरी तरीके से उबल चुका है और अब हम जो है इसको इतना पकाएंगे कि ये जो है पक्के 1/3 रह जाए। यानी अगर 1 किलो दूध मैंने लिया हुआ है तो तकरीबन 650 या 700 ग्राम के करीब रह जाए। और फिर और हम ये करेंगे कि ये जो मलाई है, हम इसको अभी तो इसमें ज्यादा खैर मलाई आई नहीं है, जब इसमें मलाई आती जाएगी हम इसको ऐसे साइड करते जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक देखिए इसने गाढ़ा होना शुरू नहीं किया। जब तक ये थोड़ा सा और नहीं सूख जाएगा तब तक मैं इसे पकाती रहूंगी, तकरीबन मैं इसे 10-15 मिनट और पकाऊंगी। ये पकते पकते 2/3 रह गया है, इसको मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट पकाया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब जो चीजें मैं इसे मिलाऊंगी वो है चीनी और खोया, लेकिन मैं वो चीजें इसके दूध के ठंडा होने के बाद डालूंगी, क्योंकि अगर हम अभी इसके अंदर खोया डाल देंगे तो जो खोया है वो घी छोड़ देगा और घी सारा ऊपर आ जाएगा। तो अभी मैं इसके पहले ठंडा होने का इंतजार करूंगी। दूध पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और मैं दूसरे बर्तन में इसको लौट के इसमें बाकी की चीजें मिलाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे चीनी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये भी डाल दूंगी, इलायची पाउडर। और हम अब इसमें डालेंगे खोया। पहले हम देख लेते हैं कि दूध खोया डालने से दूध फटा तो नहीं है। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है। और मैं इसको दोबारा से पतीली में डाल के इसको तकरीबन 5 या 10 मिनट और पकाऊंगी। ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा पकाना है, 5 या 7 मिनट, कितना के दूध गाढ़ा हो जाए। देखिए पकते पकते कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब जो है मैं इसके दोबारा से ठंडा होने का इंतजार करूंगी। कभी भी आपको चीनी या खोया जैसी चीज कभी भी दूध में डालना हो तो कभी भी आप उसको गर्म दूध में न डालें, उससे दूध फट सकता है। हालांकि मुझे दोबारा से ठंडा करके दोबारा से गर्म करना पड़ा, लेकिन फिर भी इससे एहतियात ये हुई कि दूध नहीं फटा। और अब मैं इसके ठंडा होने में ज्यादा करूंगी, जब ये गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई। और अब मैं इसको एक प्याले में सर्व करने जा रही हूँ। ये होममेड रबड़ी की रेसिपी मैंने सर्व कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।